हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल इजी फिजिक्स बाय तुषार सर। हियर यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज एंड न्यूमेरिकल ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड ऑफ फिजिक्स सब्जेक्ट। टुडे आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर फिजिक्स चैप्टर विल बी मोशन इन ए प्लेन समतल में गति एंड टुडेज टॉपिक विल बी वी हैव सॉल्वड एग्जांपल फ्रॉम 4.5 से लेके आज हम 4.10 तक आज हम सॉल्व करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल फ्रॉम 4.1 टू 4.4 एंड ऑल द चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। पूरा का पूरा चैप्टर आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 4.1 से लेके 4.4 तक हमने ऑल इसके पहले वाले लेक्चर में सॉल्व कर लिया था। आज हम देखते हैं 4.5 से। देखो 4.5 वाला क्वेश्चन देखो दिया है। क्वेश्चन नंबर 4.5, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो विथ वेलोसिटी 5 I m/s। एक पार्टिकल है स्टार्टिंग में टी इक्वल टू जीरो यानी स्टार्टिंग की कंडीशन में वह एक्स वाई प्लेन पे गति कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में विथ वेलोसिटी 5 I m/s यानी कि इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल प्रारंभिक जो वेग है वो दिया है 5 I m/s। आई का मतलब कौन सी डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन। इन विच प्रोड्यूस ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन और उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, ए की वैल्यू दी है 3 I + 2 j। एक्सेलरेशन देखो कौन से डायरेक्शन में है, एक्स में भी है और वाई में भी है, तो m/s². व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, तो आपको बताना है कि तो पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। एट इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 m, जब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 84 m है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको स्टार्टिंग में दिया है कि एक पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां पर है, टी इक्वल टू जीरो पर। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कहां पर है, 5 I m/s यानी पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आई डायरेक्शन में। और उसके ऊपर एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, आई और जे दोनों में लग रहा है, यानी कि एक्स और वाई दोनों में लग रहा है। ये बताओ तो आफ्टर सम टाइम तो पार्टिकल जो होगा वो एक्सेलरेशन आपका आई डायरेक्शन में है तो पार्टिकल आपका आई डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्सेलरेशन आपका वाई डायरेक्शन में भी है तो पार्टिकल आपका वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी पार्टिकल आपका एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा। तो जब पार्टिकल की पोजीशन 84 m है तो एक्स पर तो वाई पर कितना होगा, तो बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 at². बिल्कुल सिंपल। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिखा आर से, आर इज इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 5 I t प्लस 1/2। व्हाट इज द ए, ए विल बी 3 I + 2 j इंटू t² वी नॉट टी प्लस 1/2 at². इसको सॉल्व करते हैं तो आर इज इक्वल टू 5 I t प्लस ये 3/2 कितना हो जाएगा 1.5 I t² प्लस ये 2 से 2 कैंसिल कितना j into t² यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो I को मैं एक साथ में करता हूँ तो R इज इक्वल टू 5 t प्लस 1.5 t² इन ब्रैकेट I cap प्लस j into t² यहाँ पर देखो ये आपका पोजीशन निकला और ये पोजीशन देखो ये अगर आप r भी देखो तो ये I cap है, मतलब ये किसकी पोजीशन है, दैट इज द x की पोजीशन, और ये किसकी पोजीशन है, ये y की पोजीशन है। j के साथ जो होगा वो y के लिए होता है, i के साथ जो होगा वो x के लिए होगा, यानी कि ये x की पोजीशन है और ये y की पोजीशन है। आपको y की पोजीशन निकालनी है, ये होता तो y की पोजीशन का मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है, t² की वैल्यू। y की पोजीशन कितनी है, t² यानी कि अगर आपको t की वैल्यू पता चले तो आप y की पोजीशन निकाल लोगे। अब ये किसकी पोजीशन है, ये x की पोजीशन है, कितनी है x की पोजीशन, हमने हम दिया है 5 t प्लस 1.5 t², ये हमारी किसकी पोजीशन है, x की पोजीशन है। और क्वेश्चन में दिया है x कितना है, 84 है, तो बिल्कुल सिंपल x की जगह 84 रख देते हैं, तो 1.5 t² प्लस 5 t इज इक्वल टू 84। ये आपका जो क्वांटिटी का क्वेश्चन बन गया, द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं, 1.5 t² प्लस 5 t 84 की इधर करते हैं तो -84 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट में है तो पॉइंट को हटाने के लिए पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 t² प्लस 50 t -840। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 t² प्लस 10 t
माइनस इसको आप 5 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा कितना 168 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है 168 इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्वांटिटी के क्वेश्चन बन गया। अब इसको आप सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करते हो 168 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 168 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 564। अब 564 को दो पार्ट में ब्रेक करो कि ऐड करने पे 10 आना चाहिए। 564 को दो पार्ट में ब्रेक करो कि ऐड करने में कितना आना चाहिए 10। तो इसको मैंने ब्रेक किया किसमें 28 और 18 में। तो 28 इंटू 18 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा कितना 564 और 28 माइनस 18 कितना 10। सिंपल क्या हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t माइनस 168 इक्वल टू जीरो। 10t को मैंने ये लिख दिया। यहाँ सब चाहो तो आपका कॉमन क्या आ जाएगा आपका टी कॉमन आ जाएगा। बचेगा कितना अंदर 3t + 28। ठीक है यहाँ से भी आपको वही कॉमन करना है 3t + 28। यहाँ से आपका कितना कॉमन आ जाएगा आपका माइनस सिक्स इंटू थ्री माइनस एटीन और माइनस सिक्स इंटू 28 168 जीरो। इसको t माइनस सिक्स को एक साथ लिख लेते हो जाइए आपका हो जाएगा t माइनस सिक्स एक ब्रैकेट में और आपका ये हो जाएगा 3t + 28 इज इक्वल टू जीरो। तो t माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो यानी कि t माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो t इज इक्वल टू कितना 6 और यहाँ से 3t + 28 इज इक्वल टू जीरो। तो t इज इक्वल टू कितना -28/3। टाइम कभी भी आपका माइनस में नहीं होता तो कौन सा टाइम आप प्रीफर करोगे ये वाला टाइम। तुम्हारे पास टाइम कितना आ गया 6 सेकंड। तो अगर टाइम हमारा 6 सेकंड आ गया तो y की पोजीशन कितनी थी टी स्क्वायर तो टी की जगह पे 6 का स्क्वायर दैट इज 36 मीटर। तो पोजीशन ऑफ द y कितना आपका आ गया 36 मीटर ये आपका वाई आ गया। आगे देखो ये पार्ट ए था आपका। पार्ट बी में क्या करना है पार्ट बी में दिया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। तो उसी टाइम पर एट द सेम टाइम यानी टाइम कितना है 6 सेकेंड पर स्पीड कितनी होगी। स्पीड कैसे निकालोगे ये तो पोजीशन आपको पता है। देखो ये पोजीशन है पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे आपको स्पीड मिल जाएगा ये तो आप सब आपको पता ही है। तो पोजीशन हमारे पास कितनी है 5t + 1.5t² ये है आई कैप प्लस जे टी स्क्वायर ये पोजीशन है। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ मुझे स्पीड या वेलोसिटी मिल जाएगी। तो कोई बात नहीं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ ये आपका हो जाएगा d/dt r = d/dt 5t + 1.5t² i कैप + d/dt j t स्क्वायर। यहाँ पर ये वेलोसिटी हो गया इसको डिफरेंशिएट करोगे 5 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया t का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में 1 ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1.5 कॉन्स्टेंट बाहर t स्क्वायर का डिफरेंशिएट पावर को आगे करोगे तो 2 और t i कैप प्लस यहां पे t स्क्वायर का डिफरेंशिएट तो पावर आपका आ गया तो ये आपका हो जाएगा 2t j कैप 1.5 * 3 2 कितना 3 ये आपका हो जाएगा v = 5 + 3t i कैप प्लस 2t j कैप ये वेलोसिटी आ गया आपका। वेलोसिटी कितने पे आपको निकालना है 6 सेकंड में निकालना है तो t की जगह पे 6 सेकंड पुटअप करते हैं तो v = 6 यहां पे पुटअप करोगे तो 5 प्लस ये हो जाएगा 18 प्लस ये यहां पे 6 * ये हो जाएगा 12j ये v = कितना 18 और 5 कितना 23 तो 23i प्लस 12j। ठीक है ये आपका आ गया क्या वेलोसिटी। अब चाहो तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे v = √i के साथ जो है उसका स्क्वायर j के साथ जो है उसका स्क्वायर तो 23 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू द 26 मीटर/सेकंड दैट इज द आंसर। सिंपल है ऐसा कुछ क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है अब इसके बाद से क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.6।
दिया है कि रैन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड, ए वुमेन राइड्स ए बाइसाइकिल विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। दिया है कि रैन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड यानी कि रैन की जो स्पीड है वर्टिकली यानी डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, ये हो गया रैन की स्पीड कितना 35 मीटर पर सेकेंड। ए वुमेन राइड्स ए बाइसाइकिल विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट, ये बताओ ये ईस्ट है ये वेस्ट है, पूरब से पश्चिम, यानी कि एक वुमेन है वो अपनी बाइसाइकिल कहाँ पे लेके जा रही है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, आपको बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बारिश कहां पे आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, रैन की डायरेक्शन कहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड और बाइसाइकिल कहां पे जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप सबसे पहले ये निकाल लो कि टोटल जो वेलोसिटी ऑफ रैन होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। सबसे पहले आप ये निकाल लो कि वेलोसिटी ऑफ रैन कौन सी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रैन ये बताओ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि रैन आपका यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है तो आपको अम्ब्रेला को यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, रैन आपका इधर से आ रहा है तो आपको अम्ब्रेला को इधर होल्ड करना पड़ेगा, रैन की डायरेक्शन ये है तो आपको अम्ब्रेला को इधर होल्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये निकाल लो कि रैन की वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी ऑफ रैन किसके रिस्पेक्ट में, बाईसाइकिल के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है किस तरीके से लिखते हैं। चलो वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रैन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल, यही तो मतलब हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर वेलोसिटी ऑफ रैन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बाइसाइकिल तो मैं वेलोसिटी ऑफ रैन और वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल माइनस, माइनस का मतलब क्या हुआ ये बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल है तो माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल आपका ये होगा। ठीक है, यानी कि यहां पर जो ये जो नेट हमारा आएगा वी आर बी, नेट हमारी जो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू बी आपका आएगा, ये बताओ नेट वेलोसिटी ऑफ रैन कहां पे आएगा, ये आपका वी बी है ये वी आर है तो नेट हमारा ये आपका आएगा। ये आपको पता है ये यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसको सेंटर से मैच करोगे तो आपका ये लाइन आएगी, ये क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रैन नेट। यानी कि अगर यानी पूरी की पूरी जो रैन की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है तो आपको अम्ब्रेला को भी कहां होल्ड करना पड़ेगा, यहां पर इस तरीके से होल्ड करना पड़ेगा ना। ठीक है, अम्ब्रेला को आपको यहां पर होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि रैन की जो नेट वेलोसिटी वो यहां पर है, इसको मैंने सपोज कर लिया कितना थीटा। क्लियर समझ आ रहा है, ये बताओ अगर ये थीटा है तो मुझे अभी बताओ तो यहां पर ये यहां से टेन थीटा कितना आ जाएगा, ये आपका इस तरीके से मिल रहा है कुछ, यहां से टेन थीटा कितना आ जाएगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है ये बताओ, ये वी बी है तो ये भी कितना वी बी, ये कितना वेलोसिटी ऑफ रैन, ये बताओ तो परपेंडिकुलर यानी लंब कितना वी बी अपॉन बेस कितना वी आर, व्हाट इज द वी बी, वी बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 12 मीटर पर सेकेंड, वी आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 35, तो 12 बाई 35 इसको सॉल्व करते हो ये आपका आता है 0.343, और 10 में जब आप 0.343 की वैल्यू देखोगे तो ये आपका आता है नियर अबाउट 19 डिग्री, मतलब कि उस ओमेन को वर्टिकल से 19 डिग्री एंगल पर अपने अम्ब्रेला को सेट करना रहेगा, यानी कि यहां से 19 डिग्री एंगल पर, यानी यहां से 19 डिग्री एंगल यहां पे इस तरीके से उसको अम्ब्रेला को अपने सेट करना होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4.6। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.7 दिया है कि गैलीलियो इन दिस बुक, एक बुक है गैलीलियो की, गैलीलियो एक साइंटिस्ट का नाम है, टू न्यू साइंस स्टेट दैट फॉर एलिवेशन विच एक्सीड, और एलिवेशन का मतलब क्या हुआ एंगल, ये जो एलिवेशन होता है ना जैसे
आपको मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था कि यहाँ से किसी आपने किसी बॉल को किसी पार्टिकल को यू स्पीड से थीटा डिग्री एंगल पे थ्रो किया, तो ये आपको होता है एलिवेशन। ये 10 डिग्री 12 डिग्री 30 40 50 यानी ये क्या है आपका एलिवेशन है। ठीक है, क्या दिया है, फॉर एलिवेशन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री, यानी कि अगर एलिवेशन 45 से अधिक है या 45 से कम है, यानी कि अगर जो एंगल है वो 45 से अधिक है, यानी कि 45 से अधिक होने का मतलब क्या हुआ, 45 प्लस अल्फा में मान लेता हूँ, 45 में कुछ ना कुछ ऐड करोगे, और 45 से कम होने का मतलब क्या हुआ, 45 में से कुछ ना कुछ माइनस करोगे आप। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि अगर एलिवेशन एंगल 45 से अधिक हो तो 45 प्लस अल्फा, 45 से कम हो तो 45 माइनस अल्फा, तो बाई इक्वल अमाउंट द रेंज आर इक्वल। तो अगर ऐसा कुछ है यानी कि अगर एंगल आपका 45 से अधिक है या तो 45 से कम है, तो जो जो रेंज होगा वो आपका क्या होगा, इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे पास रेंज का फॉर्मूला कितना है, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला है। ठीक, चलो अब मुझे आप ये बताओ, सबसे पहले अगर हमारे पास ये थीटा, थीटा की वैल्यू पहले एक कंडीशन में 45 प्लस अल्फा है और 45 माइनस अल्फा है। देखो अगर मैंने थीटा की जगह पर 45 प्लस अल्फा लिखा तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो साइन के साथ 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, तो 2 थीटा आपका हो जाएगा 2, और थीटा की जगह पे कितना, एंगल ये है 45 प्लस अल्फा, ये कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस 2 अल्फा। यहाँ पे अगर यहाँ पे थीटा की जगह मैं 45 माइनस अल्फा लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 थीटा, कितना हो जाएगा ये 2 45 माइनस अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू द 90 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, यानी अब आगे साइन लगा है, यानी कि यहां पर आपका ये पूरा कितना बनेगा साइन 90 प्लस 2 अल्फा, और यहां पर पूरा कितना बनेगा साइन 90 माइनस 2 अल्फा। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू द कॉस थीटा, यानी कि कॉस 2 अल्फा। साइन 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस 2 कॉस थीटा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यानी कि कॉस 2 अल्फा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा, तो 90 प्लस 2 अल्फा कॉस अल्फा, 90 माइनस 2 अल्फा इज ऑल्सो कॉस 2 अल्फा। ये बताओ, तो अगर पहले केस में मैं बात करता हूँ तो अगर मैं ये एंगल पुटअप करता हूँ तो हमारे पास ये कितना आएगा यहाँ पर कॉस 2 अल्फा, और अगर मैं 45 माइनस अल्फा पुटअप करता हूँ, सॉरी 45 प्लस अल्फा अगर आप पुटअप करते हो तो कॉस 2 अल्फा आएगा, 45 माइनस अल्फा पुटअप करते हो तो भी कितना आएगा कॉस 2 अल्फा, यानी कि ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो आपका रेंज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। परास जो होगी आपकी कैसी होगी, सेम, क्योंकि ये तो आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, 4.7 का आंसर।